मुरली मेहता सर, अकॉर्डिंग टू मतलब आपके हिसाब से एक इंडिविजुअल मैटर करता है या टीम मैटर करती है, क्या लगता है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है, कोरोना होता है, ओलंपिक्स होता है, वर्ल्ड कप होता है, ये सब इवेंट कुछ न कुछ सीखा जाते हैं और हमें उसमें से कुछ अच्छे लेसन मिलते हैं। सो दिस वॉट एवर बी आई टी वी हैज ऑर्गेनाइज डिस्कशन ऑन दिस वेस्ट बंगाल इलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक पाइड पाइपर होता था और वो बांसुरी बजा के जाता था, उसके पीछे पीछे लोग चले जाते थे, लोग तो नहीं थे तो बंदर के रेट्स की बात है, लेकिन जाते थे। जो ये लोग कोचिंग करते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट अलोंग विद दैट पर्सन अदर पीपल विल आल्सो कम, एंड दैट इज व्हाट नाउ डजंट हैपन बिकॉज देर आर नो रेट्स, देर आर इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव एक्सपीरियंस and they understand that this is not right, therefore it doesn't happen. Third thing, poaching is a part of any war, it's a common thing and it has to happen. Unfortunately quantity is the law of life. Ab kisi ko kuch bhi pucho, tumhari umar kitni hai, tumhare bacche kitne hai, tumhare paas paise kitne hai, ghar kitne hai, gaadi kitne, ko number chahiye. और जीतने के लिए, स्पेशली पॉलिटिक्स में जीतने के लिए नंबर चाहिए। सो इट इज बाउंड टू हैपन एंड एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट और टीम इज इम्पोर्टेंट। कलेक्टिवली इट इज इंडिविजुअल्स टूगेदर आर इम्पोर्टेंट एंड नॉट वन फैक्टर बट ऑल द फैक्टर्स। जैसे डॉक्टर कुटी ने बताया कि अकेले अमिताभ बच्चन से अच्छा फिल्म नहीं बनेगा, सब साथ में है तभी बनेगा। सो इट्स ऑल ऑफ देम टुगेदर इज इम्पोर्टेंट, नॉट वन पर्सन।